डीटीओ ऑफिस यहाँ लाइसेंस बनते हैं, विश्वमान भवन में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं लगातार, जब से यातायात नियम नए नियम आए हैं तब से ज्यादातर लोग आ रहे हैं लाइसेंस बनवाने के लिए। आप लोग भी लाइसेंस बनवाने के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग अप्लाई कर दिए? नहीं, मतलब अप्लाई तो कर दिए हैं पर अभी तक वेरिफिकेशन का कोई आया नहीं। लर्निंग के लिए आए? हाँ लर्निंग। हम भी सर आए हैं लर्निंग के लिए। अच्छा जी, तो ये जब से यातायात नियम लागू है तब से आए हैं क्या? ज्यादा सख्ती बरती गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसे अवेयर थे ही। अच्छा। ठीक है, पर मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि यातायात नियम में अच्छा, ये इम्प्रूवमेंट हुई तो इस वजह से जो है मतलब अभी। ठीक है, आपके पास वक्त नहीं था, आप मिला है। आप बताइए सर, आप भी अप्लाई किए हैं? हाँ, अप्लाई किए हैं जी। तो दुपहिया के लिए कि लाइट? दो चक्का चार चक्का दोनों के लिए। दो चक्का चार चक्का? हाँ। दोनों के लिए। बहुत सारे लोग भी हैं, आप लोग भी आए हैं क्या लाइसेंस बनाने के लिए? कमर्शियल बनवाने आए हैं। कमर्शियल बनवाने आए हैं, ड्राइवरी करते हैं? जी जी। तो पहले था कि एक्सपायर हो गया था? नहीं, मेरा प्राइवेट बना हुआ है। अच्छा, बना हुआ? बना हुआ, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल बनवाने के लिए, ये जब से चालू हुआ है तब से थोड़ा सा ये हो गया। सर आप लोग भी आए हैं? जी, न्यू बनाने के लिए आए हैं। इस दोपहिया क्या क्या और दोपहिया चार पहिया दोनों का? दोनों का, दोनों का, दोनों का। तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है और लोग भी ढोर भी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह की भीड़ है। अचानक ये भीड़ में वृद्धि हुई है यहाँ पे। सर लाइसेंस बनाने आए हैं? जी। दोपहिया का कि और किसी हैवी व्हीकल का? ना, टू और फोर। टू और फोर का है। तो अब देखिए कि यहाँ पर भी कर्मचारी जो भी यहाँ पे हैं डीटीओ ऑफिस में, सब तरह से यहाँ से भीड़ बढ़ी है और लोग अपने अपने लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। मोटर व्हीकल अधिनियम में जुर्माने की जो राशि थी उसको बढ़ाया गया है और इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए है अजय कुमार ठाकुर, पटना जिला परिवहन पदाधिकारी हैं। सर अचानक सा वृद्धि हो गई है लाइसेंस वगैरह बनाने में, लर्निंग बनाने में यहाँ पे? हाँ, जैसा कि सर विदित है कि लोकसभा से जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो संशोधन बिल पास हुआ और उसको एक तारीख से जो इसको लागू किया गया है और बिहार में भी इसको लागू करने के लिए हमारा परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी उसको अक्षरशः लागू कर दिया गया बिहार में उसी कानून के तहत। तो जो पहले यातायात नियम के उल्लंघन में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो फाइन होती थी वो 100, 200, 500 रुपए का फाइन होता था, अब वो फाइन 1000, 2000, 5000, 10000 तक की चली गई है। तो जब फाइन की राशि इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें जैसा कि पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं रहने पर पकड़े जाते हैं तो 5000 फाइन है, तो जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो जुर्माने से बचने के लिए और अब जागरूक हुए हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमारे कार्यालय आ रहे हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग पर काफ़ी भीड़ है, क्योंकि पहले लर्निंग बनता है, 30 दिन के बाद फिर परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसके टेस्ट में भाग लेंगे, टेस्ट में पास करेंगे, उसके 10 दिनों के बाद उनके घर पर लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवर होगी, इसलिए भीड़ की मात्रा भी बढ़ी हुई है। यानी 10 दिन तक जो लोग चला रहे थे बिना लाइसेंस का वो अब 30 दिनों तक, एक महीने तक अब नहीं बाइक या कार या चला पाएंगे, जैसा कि आज रास्ते पे भी देखने को मिला कि ट्रैफिक कम हो गई है। ये लोगों का जीवन अनमोल है जी। और इनके जीवन रक्षा के लिए ही मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की राशि और कड़े प्रावधान किए गए ताकि जो नौसुखिया हैं चाहे जो एलिजिबल नहीं है वो गाड़ी न चलाएं, या जो गाड़ी चलाने का जो सही मापदंड है जैसे मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाना, शूज लगाना, उसको लगा के जैसे LMB चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के, या मोटरसाइकिल पर डबल सवारी नहीं करें, लहरिया कट या खतरनाक ढंग से ड्राइविंग नहीं करें, ये सब उन्हीं की जान की रक्षा के लिए है। ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि शुरुआती दौर में कुछ डर से, भय से, राशि जुर्माने की राशि अधिक भुगतान करें, इसके भय से भी लोगों के आदतों में सुधार आए और वो जब भी बाइक चलाएं हेलमेट लगाएं, उनके पीछे बैठने वाले सवारी को पिनियन ड्राइवर बोलते हैं उनको भी हेलमेट लगाना है, उनको भी लगाना। अगर नहीं लगाते हैं तो उन पर भी समान रूप से 1000 रुपए का जुर्माना है। तो पटना में जो दोपहिया वाहन पर बैठते हैं पीछे वाले लोग उनको भी हेलमेट लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो उनको भी 1000 रुपए की फाइन होगी और अगर उनके पास कोई भी लाइसेंस, अभी हम लोग लाइसेंस को भी जब्त करेंगे, आगे से जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे
और पकड़े जाएंगे, आने वाले समय में उनका लाइसेंस भी जब्त होगा और 3 महीने के लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा। तो एक डीजी लॉग के माध्यम से जो है, क्या उसको सही ट्रैफिक पुलिस जो जब उनको पकड़ते हैं तो क्या उसको सही माना जाएगा जो लाइसेंस या आरसी रखते हैं? डीजी लॉकर एक ऐप है जिस पर हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का ऑनर बुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सभी को हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं। और इस संबंध में आज से 1 साल पहले ही हमारे विभाग ने उसको कानूनी रूप दे दिया है। इस आशय का पत्र सभी ट्रैफिक एसपी, पुलिस को, रेलवे, एयरपोर्ट, सबको दिया हुआ। आप कहीं भी इस डिजी लॉकर में जो आपका डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है, इसको वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और सबको उसको मानना पड़ेगा। आप जो भीड़ बढ़ी है सर आपके यहाँ, तो कुछ आपने टाइमिंग भी बदली है क्या, कि ज्यादा किया है क्या? हाँ, पहले लर्निंग लाइसेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम 1 बजे तक था, उसको 3 बजे तक किया गया है। और पहले फोटोग्राफी और पैसा जमा करने का जो पीरियड था वो 3 बजे तक था, अभी उसको 5 बजे तक कर दिया गया है। 5 बजे के बाद भी अगर इक्का दुक्का लोग बच जाते हैं तो उनको भी हम लोग कर दे रहे हैं। फीस भी बढ़ाई है आपने? फीस कुछ नहीं बढ़ा है, फीस तो वही है, लाइसेंस का फीस नहीं बढ़ा है, जुर्माने की फीस बढ़ी है, लाइसेंस का फीस नहीं बढ़ा है, लाइसेंस का फीस वही है। हमने पहले लोगों की सुविधा के लिए 5 काउंटर बना दिए हैं, 1 महिलाओं के लिए अलग काउंटर है, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दूसरे दिन फिर देखते हैं, अगर भीड़ में और बढ़ोतरी होगी तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 काउंटर और खोलने की। अमूमन आपको पता होगा सर कि एक दिन में कितने लाइसेंस बनते थे और अभी कितने बन रहे हैं? अमूमन पहले 100-125 लर्निंग लाइसेंस पर डे बनते थे और अभी जो सोमवार से लगभग 400-500 से स्टार्ट हुआ है, जो अभी 700-800 तक पहुंच गया। आज 700-800 बन रहे हैं। तो अब नेक्स्ट मैं ये चाहूंगा कि सर एक अपील आप दें लोगों को, ताकि अपनी जिनको पास लाइसेंस नहीं है वो बनवाएं और जो सड़क पर हैं वो सुविधा चले। मैं पटना वासियों से ये अपील करूंगा कि जब भी बाइक चलाएं या LMB कार चलाएं तो अपना लाइसेंस जरूर अपने पास रखें, जो हेलमेट लगाना है वो हेलमेट लगाएं, शूज लगाएं और अपने पीछे किसी को तभी बैठाएं जब उनके पास हेलमेट हो। कार में भी चलते समय जो भी आपके बगल में बैठे हों उनको हेलमेट, जब तक वो अपना सीट बेल्ट नहीं लगाएं कार स्टार्ट नहीं करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों, 10 साल तक की उम्र के बच्चों को आगे की सीट पर नहीं बैठाएं, उसमें भी जुर्माना है, वो पीछे सीट पर बैठाएं उनको।